सो यूनिट टू चैप्टर नंबर थ्री करंट इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोडक्शन देखिए। अगर आपके पास एक चार्ज है, अ चार्ज एट रेस्ट, एक चार्ज गिवन है जो रेस्ट में, सो अगर ये चार्ज रेस्ट में होगा, देखो इससे रिलेटेड क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ये चार्ज फील्ड जनरेट करेगा, चार्ज एट रेस्ट से एसोसिएटेड क्या क्या चीजें होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये चार्ज एट रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, चार्ज एट रेस्ट से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। चार्ज अगर रेस्ट में है तो दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट करेगा, चार्ज अगर रेस्ट में है कोई और चार्ज भी है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये सब हमने पढ़ा था। अगर आपका चार्ज मोशन रेस्ट में, अगर यही चार्ज मोशन में आ जाए, अगर यही चार्ज आपका मूव करना शुरू कर दे, ये चार्ज अगर मोशन, तो जैसे ही चार्ज मोशन में आएगा कुछ नई चीजें आनी शुरू होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, जो सब रेस्ट में था वो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी एग्जर्ट करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ये सब। इसके साथ साथ कुछ नई चीजें आनी शुरू, इलेक्ट्रिक करंट आ जाए, और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट आएगा, इलेक्ट्रिक करंट आते ही मैग्नेटिक फील्ड आनी शुरू हो जाएगी। करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से रिलेटेड। तो जैसे ही आपका चार्ज का मोशन शुरू होता है, एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक करंट, एक आता है मैग्नेटिक, तो दोनों चार्ज के मोशन से रिलेटेड। अब इसी में ना, अगर तुम्हारा चार्ज एक्सिलरेट करना शुरू कर दे, अगर यही चार्ज एक्सिलरेट करना शुरू कर दे, तो ये सब होगा, ये सब एज इट इज होगा, प्लस ईएम वेव जनरेट करना शुरू कर देगा। ये एक्सिलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करना शुरू, तो कुछ ऐसे चीजें होती हैं कि चार्ज जैसे ही एक्सेलरेट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करना शुरू करेगा। सो अभी फिलहाल हमें पढ़ना है, अगर आपका चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में, तो उससे रिलेटेड जो कुछ भी हो सकता है। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, जिसमें आप देखोगे कि एट एटमिक लेवल करंट कैसे फ्लो करता है, इवन एट इलेक्ट्रॉनिक लेवल क्या हो रहा होता है, वो सब आप लेंगे फर्स्ट पार्ट। देन इन द सेकेंड पार्ट सर्किट, अब कंटिन्यूएशन समझो, जो आपने कैपेसिटर में पढ़ा है, काफी चीजें ऐसी ही रिपीट करनी है रेजिस्टर्स के साथ। तो पहला थ्योरेटिकल है, इसमें देखोगे इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर ऐसा क्या होता है कंडक्टर्स में कि करंट फ्लो करता है। सेकंड पार्ट सर्किट्स का, इसे लिख लीजिए, फिर इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं, करंट कैसे मेजर करते हैं, कैसे कैलकुलेट करें, इतना नोट कीजिए। भाई अब आपका काम है, आपको एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करनी है फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर, एचसीवी पूरी करनी है फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर, अब कुछ अटकना नहीं चाहिए, सब हो जाएगा। हाँ फैजान, आरसी सर्किट इसी में हो गया, जब मैं सर्किट सर्किट एनालिसिस जब पढ़ाऊंगा उसी में आरसी सर्किट भी करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ एक्सिलरेशन। देखो एक्सिलरेशन बाय टाइम एज सच कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है, बट कुछ लोग इसमें लिख देते हैं स्लैप करके एक टाइम आता है, एक्सिलरेशन बाय टाइम को कुछ लोग स्लैप लिख देते हैं, इसका एक नाम और होता है मेरे ज़हन से निकल गया, बट इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी। हाँ जर्क, यस कुछ लोग जर्क कह देते हैं, बट स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं। उसमें स्टैंडर्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज इट्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ
इनफ्लो ऑफ चार्ज को आप एक्सेलरेशन कहेंगे. एक्सेलरेशन इज सिंपली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट. अब देखो इलेक्ट्रिक करंट आप मेजर कैसे करते हैं. मान लीजिए आपने एक कंडक्टर ले लिया. दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए. ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. या जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कुछ डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर जाता है. डेल्टा क्यू चार्ज फ्लोज थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ए. क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इन टाइम डेल्टा. तो डेल्टा टी टाइम में क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से कुछ चार्ज डेल्टा क्यू फ्लो कर गया. तो यहां जो एवरेज करंट होगा ना, एवरेज करंट थ्रू क्रॉस सेक्शन. इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू जो एवरेज करंट गया होगा दैट एवरेज करंट इज सिंपली इट्स डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा. This is average current. It's delta Q by delta. ये average current होगा. अगर आपको so current is rate of flow of charge. ये change is star divided by time. अगर आपको इस average की जगह instantaneous current चाहिए, इसे average नहीं calculate करना, आपको instantaneous current चाहिए. तो instantaneous current के लिए अब ये आप class 11 से सीखते हुए आ रहे हैं कि आपको limit use करनी है. लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो. टाइम इंटरवल को श्रिंक. तो जैसे ही आप टाइम इंटरवल को श्रिंक करोगे डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी विल बी डी क्यू ओवर. तो आप इंस्टेंटेनियस करंट लिख सकते हो दैट इंस्टेंटेनियस करंट इज डी क्यू ओवर. दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट डी क्यू ओवर. ये इंस्टेंटेनियस. नेक्स्ट याद रखिएगा करंट में डायरेक्शन होता है बट स्टिल करंट इज अ स्केलर. एसआई यूनिट इज एम्पीयर. अब देखिए नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ करंट. दैट्स फर्स्ट इक्वेशन. डायरेक्शन ऑफ करंट. जब आप डायरेक्शन लोगे ना तो दो तरह से डायरेक्शंस मेजर करते हैं. इनफैक्ट उन दो मेथड्स की वजह से करंट को दो टाइप का करंट कह देते हैं. एक होता है कन्वेंशनल करंट. बाय डिफॉल्ट आप जो करंट पढ़ते हैं दैट करंट इज कन्वेंशनल. हाँ फैजान, वेक्टर होने के लिए सिर्फ डायरेक्शन नहीं वेक्टर लॉस को फॉलो करना भी जरूरी है. ये वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करते इसलिए डायरेक्शन. वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करते. तो देखिए कन्वेंशनल करंट. कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन होगा इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. नहीं तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड ऑपोजिट. तो अभी डिस्कस करते हैं एंड ऑपोजिट टू नेगेटिव. तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन सेम होता है एज दैट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और ऑपोजिट चार्ज के मोशन के ऑपोजिट होता है. सो अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो सेम इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. अगर नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कन्वेंशनल करंट ऑपोजिट डायरेक्शन. दैट्स कन्वेंशनल.
कन्वेंशनल करंट के बाद एक और करंट होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, विच इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन इज same as that of, direction is same as that of flow of negative charge. तो जिस direction में भी negative charge जाएगा वही direction conventional electronic current है. Like अगर ये minus q है, minus q इस direction में जा रहा है तो electronic current का भी direction यही है. Same as that of flow of negative charge electron. But जो by default current होता है, that's conventional. आप जब भी करोगे, that's conventional. कहीं electronic current होगा तो अलग से mention करेगा. But by default your current is conventional current, not electronic. अच्छा, इसके बाद और एक चीज और याद रखिएगा इसी में, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, direction is from higher to lower today. ये भी याद रखिएगा, डायरेक्शन इज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल. भाई अब डाउट्स देखते हैं, क्या क्या डाउट्स हैं. फैजान का क्वेश्चन है स्केलर है फिर भी डायरेक्शन, तो फैजान इसका आंसर यही है कि हाँ स्केलर है. वेक्टर होता तो सिर्फ डायरेक्शन नहीं, वेक्टर लॉस को भी फॉलो कर. अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता तो वेक्टर लॉस को भी फॉलो, वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं कर रहा तो स्केलर है. तौहीद सर टेंसर होना चाहिए फिर. तौहीद सब कुछ टेंसर है, जो तुम कह रहे हो कि सब कुछ टेंसर है, ये सुन लो इस चीज को. कुछ जगह आपको दिख जाएगा कि करंट इज अ टेंसर, सब कुछ टेंसर है. हर क्वांटिटी जो आप पढ़ोगे दैट इज अ टेंसर क्वांटिटी. फिर टेंसर की कैटेगरीज होती है, हम कहते हैं टेंसर ऑफ ऑर्डर वन. फर्स्ट ऑर्डर का जो टेंसर है उसे स्केल ऑर्डर टू सॉरी जीरो ऑर्डर, ऑर्डर वन का जो टेंसर होगा उसे वेक्टर कहेंगे, ऑर्डर टू का जो टेंसर होगा उसे टेंसर कहेंगे. तो सब कुछ टेंसर है बट जीरो ऑर्डर है तो इसे हम स्केलर कहेंगे. जीरो ऑर्डर फैजान, स्केलर अगर आए तो स्केलर चूज करो. इतना हो गया तो बताओ मुझे, इसे रब करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. ग्राफ
इलेक्ट्रॉनिक करंट में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता. नहीं, अगर तुम पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में ले रहे हो, इट्स सेम एज दैट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज लोगे ना तो पॉजिटिव चार्ज के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा. अच्छा देखो तौहीद, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट ना कोई अलग टाइप का करंट नहीं है. करंट तो फ्लो ऑफ चार्ज ही है. करंट तो फ्लो ऑफ चार्ज ही है. बस जब आप कहते हो कन्वेंशनल करंट, हर जगह करंट का एक्सप्रेशन यही होगा. जब आप कहते हो कन्वेंशनल तो डायरेक्शन आप पॉजिटिव चार्ज के अलोंग दे देते हैं. जब आप कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक तो डायरेक्शन आप नेगेटिव के अकॉर्डिंग देते हैं. दैट्स इट. सादिया, टेंसर, मतलब टेंसर तुम्हें कभी यूज नहीं करना है. तो टेंसर बात आ गई थी तो उसने डिस्कस कर लिया. हर क्वांटिटी, स्केलर, वेक्टर, जो भी आपने पढ़ा है, सब टेंसर्स होते हैं. टेंसर्स में ऑर्डर्स होते हैं. जीरो ऑर्डर का जो टेंसर है उसे स्केलर कह देते हैं. फर्स्ट ऑर्डर का जो टेंसर है उसे वेक्टर कह देते हैं. हायर ऑर्डर के जो टेंसर्स होंगे उन्हें टेंसर्स ही कहते हैं. सो स्कूल सिलेबस में आपको टेंसर स्टडी नहीं करना होता. आपको सिर्फ 10 तक आप सिर्फ स्केलर्स पढ़ते हैं, 11 12 में आप सिर्फ वेक्टर्स पढ़ते हैं. बाकी सारी कहानी है ग्रेजुएशन के बाद की. आप कभी यूज नहीं करोगे टेंसर. लास्ट ईयर आपने एक टेंसर पढ़ा था, दैट वाज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. 11th में एक टेंसर क्वांटिटी पढ़ी थी, हायर ऑर्डर टेंसर, विच वाज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अच्छा, इसके बाद अगर मैं ग्राफ दूं आपको, अगर आपको ग्राफ दिया जाए, दिस इज करंट, नहीं पहले चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ. अगर आपको चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ है, मान लो ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया, इस ग्राफ से आप करंट कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज थीटा. अगर आप इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करोगे, then that slope will be tan theta. Tan theta is perpendicular divided by base. Perpendicular is q, base is t. So tan theta ko aap likh sakte hain, it's q by t. Slope is tan theta, which is charge divided by time. Aur wo kya hoga, current. So agar aapko ye q versus time graph diya hai, to uska slope aapko current dega. Isi tarah se, agar aapko current versus time graph diya ho, ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा ना, ये सारा एरिया, ये आपको चार्ज देगा. एरिया अंडर आई वर्सेस टी ग्राफ इज चार्ज, ये आपको चार्ज देगा. इतना लिख लीजिए, फिर न्यूमेरिकल्स करो. ना हो जाए बताओ मुझे, इसे रब करते हैं फिर आगे बढ़ें. चलो इसे रब कर दिया. नेक्स्ट देखो, बेसिक सा क्वेश्चन देखो, तो बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन है. चार्ज गिवन है आपको, लास्ट लाइन एरिया अंडर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज चार्ज. एरिया अंडर अलीजा लास्ट लाइन में था, एरिया अंडर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज चार्ज. चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज, एक कंडक्टर के थ्रू जो चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट चार्ज इज 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 कूलम. कैलकुलेट करंट इन टाइम इंटरवल फर्स्ट 0 से 2 सेकेंड्स में चाहिए. जब इंटरवल देता है दैट मींस एवरेज करंट पूछ रहा है.
और करंट चाहिए एट टी इक्वल टू 2 seconds. जब टी इक्वल टू 2 seconds दे रहा है, इंस्टेंट दिया है, दैट मींस इंस्टेंटेनियस. चलो यार जल्दी से इसे सॉल्व करो, ये तो सीधी सीधी कैलकुलेशन है, जल्दी से बता दो कितना है. ओके बजाज सेकंड पार्ट और कर लो. ज्यादातर लोगों का आंसर सही. सो देखो फर्स्ट पार्ट में जब आप कह रहे हैं ना 0 से 2 seconds में, दैट मींस आपको एवरेज चाहिए. एवरेज करंट होता है इट्स डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. डेल्टा क्यू को लिख सकते हैं क्यू टू माइनस क्यू वन टी टू माइनस टी वन इज जीरो T2 is 2 seconds. ये जो Q1 होगा, that's 3 into 0 square plus 2 into 0 plus 1. तो Q1 आ गया, it's 1 coulomb. इसके बाद आप Q2 यहाँ calculate कर सकते हैं. This is 3 into 2 square plus 2 into 2 plus 1. 12 or 4, 16 or 17. Q2 minus Q1 by T2 minus Q1. So that is 17 minus 1 by 2 minus 0 is 16 by 2, which is 8 amperes. It's delta Q by delta T. So I ho jayega, it's dQ over I is d over dt of charge. Charge की ये value रख दो. 3t square plus 2t plus 1. Free constant है बाहर चला जाएगा. This is t square. T square का derivative is 2t. 2 constant है बाहर चला जाएगा. T to the power 1 derivative is 1. 1 constant है derivative 0. So current आ गया. It's 6t plus 2. आपको चाहिए t इक्वल टू 2 सेकंड्स पर t की जगह 2 रख दो. इट्स 6 इनटू 2 प्लस 2 49. इतना लीजिए क्वेश्चन में रब कर रहा हूं, एक और देखते हैं. ये शुरू के तो सीधी सीधी कैलकुलेशन से. अब जब आप इलेक्ट्रोस्टैट कर लेते हो ना तो आगे की चीजें बहुत इजी हो जाती हैं. अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैट में एनसीईआरटी भी वर्कआउट कर ली है, एचसीएस वर्कआउट कर ली है, तो आगे के चैप्टर्स आपके लिए इजी. 11th में उल्टा होता है. 11th में क्या होता है, डायमेंशन से जैसे जैसे आगे जाते हो स्टैंडर्ड बढ़ता है, 12th में कम होता है. इलेक्ट्रोस्टैट सबसे टफ था, आगे जैसे जैसे आप जाओगे चीजें ईजी होती चली जाएंगी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉन is revolving inside an atom with frequency nu. तो एक इलेक्ट्रॉन है एटम में रिवॉल्व कर रहा है न्यू फ्रीक्वेंसी से.
कैलकुलेट करंट एसोसिएटेड विद एन रेवोल्यूशन. एन रेवोल्यूशंस के लिए आपको करंट कैलकुलेट कर रहे हैं, करंट कितना होगा मुझे बताओ जरा, करंट की वैल्यू कितनी आएगी, ट्राई करो इसे. तो ये न्यूक्लियस मान लो, इस न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. आपको डिसाइड करना है यहाँ करंट कितना होगा, करिए कैलकुलेट. एक एक लाइन की कैलकुलेशन है सब. आंसर्स बताओ. ठीक है, वजाहत का सही आ रहा है, तौहीद सही कर रहा है, राशिद का भी सही है. नहीं, तौहीद गड़बड़ कर रहा है, तौहीद का गलत. राशिद चार्ज का साइन नहीं लेते कभी, वो साइन सिर्फ हाँ उसका भी सही. राशिद चार्ज का साइन नहीं लेते, तुम नेगेटिव ले रहे हो ना करंट, वो नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन डिसाइड करेगा. हाँ एन का निकालो ना, तो इट वन रेवोल्यूशन नहीं एन रेवोल्यूशन. तो टी एज्यूम कर लो, टी इज टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग अराउंड न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स को जो टाइम पीरियड है, दैट टाइम पीरियड टी. आप करंट को लिख सकते हैं, करंट इज आई ई बाई टी, वन बाई टी इज फ्रीक्वेंसी, आप इसे लिख सकते हो ई न्यू. वन बाय टाइम पीरियड को लिख सकते हैं ना न्यू फ्रीक्वेंसी. दिस इज फॉर वन रेवोल्यूशन, दिस इज फॉर वन रेवोल्यूशन. जैसे आप एन रेवोल्यूशन लेंगे, फॉर एन रेवोल्यूशन, ये तो एक के लिए था. अगर आपने एन रेवोल्यूशन ले लिए तो सिंपली से एन से मल्टीप्लाई कर दी, एन रेवोल्यूशन के लिए ये आ जाएगा एन ई. भाई इलेक्ट्रॉन ने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया तो करंट इज ई नी, एन रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो करंट विल बी एन ई, करंट विल बी एन ई. इतना लिखिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं. भाई नहीं नहीं धावल, Q इज इक्वल टू एन ई में जो n होता है ना वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यहाँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी ना, n नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस है. धावल Q इक्वल टू एन ई में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ n नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हैं. योगेश तुम भी हो आज क्लास में? धावल तो जाग गया, योगेश है क्लास में? गेश नहीं है. अच्छा हो तो भाई, टाइप करने में क्या इतनी तकलीफ होती है उंगलियों में कि आंसर्स टाइप भी नहीं किए जाते? इतनी तो मुझे उम्मीद है कि ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं है कि तुम लोगों से ना होते. भाई योगेश, अगर घर बैठे बैठे टाइप नहीं हो पा रहा, कुछ दिनों के बाद जब घर से निकल के चलना पड़ेगा इतने दूर, तो क्या करोगे? काहिल हुआ जा रहा बैठे बैठे. सोच कर ही नींद आ जाती. रुक जाओ,
बस सेप तक का खेल और है, सेप से तो होपफुली सब खुल ही जाएगा। सो जितना सोच सकते हो। चलो भाई ये क्वेश्चन दिया होगा, सो ये उसने आपको दिया है करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। फाइंड एवरेज करंट फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू 15 सेकेंड। भाई ये जीरो हुआ होगा, ये माइनस होगा। माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि जो ऊपर वाला और करंट और नीचे वाला करंट अलग अलग डायरेक्शन कर दो। यार जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो मुझे कितना आ रहा है। धावल और योगेश आंसर्स 2.5 आया इसका का। मुजाहद का भी 2.5, तौहीद का भी 2.5, अच्छा सौदा सब 2.5, जोया का भी 2.5, अमानत भी। तो देखो एवरेज करंट के लिए ना आप सिर्फ ये यूज कर लो, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल चार्ज के लिए ये सारा एरिया निकालो। टोटल चार्ज के लिए ये सारा एरिया कैलकुलेट। तो ये एरिया जब आप कैलकुलेट करोगे तो देखो ऊपर तो ट्रायंगल है, नीचे क्या है ट्रेपेजियम, तो टोटल चार्ज हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बाई बेस इंटू हाइट। यहां तक कितना हो गया 10, हाइट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक 10 दूसरा 15, 10 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 5। तो ये आ गया 50 माइनस ये 15 और 5 75 बाय 2 37.5 12.5 एवरेज करंट आ गया 12.5 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम व्हिच इज 15। तो 12.5 बाय 15 कितना आ रहा है 2.5 आएगा। जो भी आएगा इतना कूल इतना एम्पो। ऊपर वाला जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अच्छा अरे सॉरी 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 हाँ भाई हाँ वजाहत सही कह रहे हैं। एरिया अंडर द ग्राफ होता है ना।
सो ये वाला एरिया तो पॉजिटिव होगा, ये वाला एरिया नेगेटिव हो जाएगा, ट्रेपेजियम नहीं आएगा सॉरी, एरिया अंडर द ग्राफ आएगा. तो एरिया अंडर द ग्राफ इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ. देखो ये बेस कितना हो जाएगा 10 से 15 तक 5, हाइट कितनी हो जाएगी 5, तो ये आ गया 12.5. तो 40 और ये आ गया 37.5. सो दिस इज 37.5 divided by total time which is 15 up 2.5. चलो भाई इतना लिख डालो जल्दी से. ये ऊपर वाला ट्राइंगल है, इसका एरिया पॉजिटिव होगा, इसका एरिया नेगेटिव होगा. लिख लिया इतना. इतना हो गया, रब कर दूं से. चलो भाई आज इसे यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट कर दूंगा और बीच में रह जाएगा. फ्राइडे ही कंटिन्यू करेंगे इसके बाद, फ्राइडे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक.